हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग मित्रों। उफेद विद्यालय नी अंदर तमारो हार्दिक स्वागत छे। मित्रों, आज आपणे धोरण 6 नी अंदर पाठ 2 जेनो नाम छे आदि मानव थी स्थायी जीवन नी सफर। तो मित्रों, हवे आ पाठ नी अंदर आपणे आदि मानवो विशे भणवानुं छे कि जे आदि मानवो पोतानुं जीवन नी शुरुआत कई रीतना करी हती, ये पोतानुं जीवन कई रीतना जीवता हता, एमनो खोराक शुं हतो, एमनुं जे रहेठाण हतुं ए रहेठाण केवा प्रकारनुं हतुं, एमना पोशाको केवा हता, आ बधी माहिती आपणे आ पाठनी अंदर मित्रों आजे शीखवानुं छे। तो मित्रों, आदिमानव ए एम पहेलाना समयनी अंदर जे खोराकनी शोधमां एक जग्याएथी बीजी जग्याए पोते पटकतो हतो, ते आखो दिवस खोराकनी शोधमां ज फर्या करता हता। आदिमानवो पोतानी जाते कोईपण साधनों पत्थरोमांथी बनावी अने एनो शिकार करवा माटे ए साधनोनो उपयोग पण करता हता। आदिमानवोनो खोराक मांसाहारी खोराक हतो अने ए पोते पशु पक्षी प्राणियों जीवा नी शिकार करी अने पोतानो खोराक पूरो करतो हतो। आदिमानव एक जग्याए थी बीजी जग्याए भटकतो रहेतो हतो, एमनुं जीवन भटकतुं जीवन हतुं। तो मित्रों, हवे आ पाठनी अंदर आपणे थोड़ी एनी अंदर एक फकरानी अंदर चर्चा करीए तो एना विशे समझी लईए कि जयवीर तेना परिवार साथे गांधीनगरथी जामनगर ट्रेनमां जई रह्यो हतो। बारी पासे बेसीने तेणे रस्तामां वृक्षों, बळदगाड़ा, ऊंटलारीओ, रिक्षा, बस, ट्रक, ट्रेक्टर जोया। तेणे तेना काकाने पूछ्यू, आ वाहन व्यवहार क्यारथी शुरू थयो हशे? तेना काकाए तेनी पीठ पर हाथ मूकीने कह्यू कि आपणे जे रेलवेमां मुसाफरी करीए छीए ते भारतमां आश्रे 150 वर्षथी चाले छे, अने तू जे वाहनों रस्ता पर जुए छे तेमां बळदगाड़ा ए सौथी जूना वाहनों छे। ते पहला हजारों वर्षों पहलाना मानवी पासे आवा जवा माटेना कोई साधनों न हता, तेओ एक स्थळेथी बीजा स्थळे पगपाळा जता हता। तो मित्रों, आ पाठनी अंदर आपणने समजूती एवी आपे कि जे आदिमानवोना समयनी अंदर जे वाहन व्यवहारनी वात करीए तो आवा कोई के वाहन व्यवहार हता नहीं। तेमने जो एक जग्याए थी बीजी जग्याए जवू हतुं तो ते पोते शुं करता? पगपाळा जता हता। अने आ जे वाहन व्यवहारो 150 वर्षनी वात करी के जे रेलवेनी मुसाफरी आपणे जे करीए छीए ए भारतनी अंदर आश्रे 150 वर्ष पछी चालू थई, अने एना पछी धीमे धीमे जे बळदगाड़ाओ हता, ऊंटलारी हती, रिक्षाओ हती, ट्रक, ट्रेक्टर, आ बधानी धीमे धीमे मनुष्य द्वारा शोध करवामां आवी अने आपणे एक जग्याएथी बीजी जग्याए जवा माटे आ साधनोनो आपणे उपयोग करीए छीए। अने आदिमानवोना समयनी अंदर आवा कोई साधनो हता नहीं। पोताने बीजी जग्याए जवा माटे एक पगपाळानो उपयोग करता हता, कारण के एमनी जोड़े कोई आवी व्यवस्था हती नहीं। अने पोताना आदिमानव ए पोताना खोराकनी शोधमां ज आखो दिवस फर्या करतो हतो। अने जे ए वखतना पशु पक्षी प्राणियों जे हता एमां एमने पोते धीमे धीमे एमने समजण पड़वा लागी, अने जे गाय भैंस जेवा प्राणियो हता ए प्राणियोने एमने पालतू प्राणियो बनावी एमनी सेवाओ करवा लाग्या, अने एनी अंदरथी जेमने दूध जेवू पशु प्राणियोथी द्वारा आपवा मळतुं ए लोको पोताना खोराकमां एनो उपयोग करवा लाग्या। तो मित्रों, आदिमानवनुं जे भटकतुं जीवन हतुं ए खूब ज मुश्केली भर्युं हतुं, केम के तेमने खोराक माटे आखो दिवस आम तेम भटकवुं पड़तुं, कोईपण प्राणी पशुनो शिकार करी सांजे पोताना खोराकनो व्यवस्था करवी पड़ती, एमना जे रहेणी कहेणी एमनो जे पहेरवास हतो एनी पण पोताने खबर न हती,
तो धीमे धीमे आवा जे आदिमानवो हता ए आजे पण आपणे घणी बधी जग्या आदिमानवोनी जे गुफाओ छे पोते जे वसवाट करता एवो ए गुफाओ आजे पण आपणने घणी बधी जग्याओथी मळी आवे छे अने एना विशे आपणे आदिमानवोनुं जे जीवन हतुं ए जीवन विशेनी पण मित्रों आपणे जे आवी गुफाओ द्वारा माहिती प्राप्त करी शकीए छीए के आदिमानवोनुं जीवन केवुं हतुं, એમનો ખોરાક કેવો હતો, એ કેવા વસ્ત્રો પહેરતા, એ વસ્ત્રોનો ઉપયોગ કરતા કે નહીં કરતા, આ બધી માહિતીઓ આપણને હજી શોધખોળ દ્વારા ઇતિહાસકારો દ્વારા જે આપણને માહિતી આપે છે કે આદિમાનવનું જીવન કેવું હતું, એ કઈ કઈ જગ્યાએ એમની ગુફાઓ આવેલી છે, એમનો વસવાટ કેવા પ્રકારનો હતો, કયા પાલતુ પ્રાણીઓને પાળતા હતા તો એના વિશેની આપણને માહિતી મળે છે. તો મિત્રો હવે આપણે આગળના લેક્ચરની અંદર જે આદિમાનવ છે એ આદિમાનવનું જે ભટકતું જીવન છે એ ટોપિક ઉપર આપણે આગળના લેક્ચરની અંદર ચર્ચા કરીશું. તો જે પણ આ વિડીયોની અંદર તમને સમજાવવામાં આવ્યો એ તમે સારી રીતે એને સમજી શકશો. અસ્તુ, જય હિન્દ.